हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज और एक रेसिपी लेके आ गई हूँ। तो आज बनाएंगे सबकी फेवरेट, सबसे का पसंद और बहुत आसान तरीका से बनने वाला रेसिपी, जो कि आलू का है। तो आज बनाएंगे आलू का चोखा या भरता, जो भी आप लोग बोलते होंगे। तो सभी को पता है आलू का चोखा बनाने के लिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग तरीका से बनाने वाले हैं। तो आज आलू का चोखा बनाने वाली है मेरी बड़ी वाली बेटी। तो देखिए वो कैसे बना रही है। तो देखिए, 4 से 5 आलू को मैंने बॉईल करके रखी थी और ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद इसका जो सारा छिलका है उसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो आपके पास बड़ा छोटा जो साइज का आलू है उसको ले सकते हैं। तो पहले सारे छिलका को निकाल लेंगे। तो दोनों ही बहन का बहुत ही फेवरेट रेसिपी है ये आलू चोखा, दोनों को बहुत ही पसंद है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 बड़े मतलब मीडियम साइज का प्याज है, 2 हरी मिर्च है, 4 से 5 कली लहसुन है। आपको अपने हिसाब से तीखापन डालना होगा, मतलब आपको जितना मिर्चा पसंद है उसी हिसाब से। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। पहले प्याज को इस तरह से लंबा लंबा में काट लेते हैं। बच्चे लोग को कुछ कुछ रेसिपी सिखाना चाहिए, क्योंकि जब उन लोग को कुछ अलग कुछ खाने का मन करे वो अपने से बना सके। तो प्याज को यहाँ पे काट लिए हैं, मिर्चा को भी बारीकी छोटे छोटे काट लेंगे। लहसुन को चाहे तो आप कूट सकते हैं, नहीं तो बारीकी काट सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाता है। तो लहसुन को भी यहाँ पे काट लेते हैं छोटा छोटा। उसके बाद फ्रेंड्स आलू में सारे मसाले ऐड करेंगे। तो पहले कटे हुए प्याज ऐड करेंगे, कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई लहसुन, भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल के बिना आलू का चोखा अधूरा है, तो सरसों का तेल जरूर डालिएगा। और अभी सारी चीज को अच्छे से हाथों के मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अपने घर में भी आप आलू चोखा बनाइए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए हमारा आलू का चोखा बन के रेडी हो गया है। आज का रेसिपी अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इस तरह से नए नए रेसिपी का वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोग उसको एंजॉय कर सकें।